मुंबई की एयर क्वालिटी दिल्ली से भी खराब हो रही है, ये न्यूज आपने आजकल बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, आइए आज वो हम देखते हैं। जनरली दिल्ली को इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुंबई में हो रहे वेदर चेंजेस के कारण वहाँ की एयर क्वालिटी पुअर टू मॉडरेट कंडीशन में चली गई है। मुंबई के बहुत सारे एरियाज में AQI 200 प्लस होने के कारण वहाँ की एयर क्वालिटी इतनी खराब हो गई है कि वो दिल्ली के कंपैरिजन में भी कम हो गई है। इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है एयर स्पीड एंड डेली टेम्परेचर। मॉनसून खत्म होने के बाद मुंबई में एयर स्पीड कम हो गई है, जिसके कारण जो अलग अलग पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं उनका लैटरल डिस्पर्शन बहुत ही कम हो गया है। साथ में विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होने के कारण मिस्ट एंड हेज डेवलपमेंट भी बढ़ गया है, जिसके कारण पोल्यूटेंट्स का वर्टिकल डिस्पर्शन कम हो जाता है और वो लोअर एटमॉस्फेयर में ही स्टक हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार हेवी ट्रैफिक एरिया में और जो एरिया कोस्ट लाइन से दूर है उन एरियाज में विंटर सीजन होने तक एयर क्वालिटी पुअर ही रहेगी। ऐसे कंडीशंस में अलग अलग हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इसीलिए उनको अवॉइड करने के लिए जरूरी प्रिकॉशंस लेते रहिए और जरूरत पड़ने पर हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह लेते रहिए। आपको क्या लगता है, ये कंडीशंस जो आ रही है वो नेचुरल है या मैनमेड एक्टिविटीज के कारण हो रही है, ये हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए एनवायरो किरण।